हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पीछे का आप लोग देख पा रहे होंगे व्यू, ये है हमारा गांव, प्यारा सा गांव। और यहाँ का जो खूबसूरत है, जो यहाँ का नेचुरल है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं आज आप सबों को दिखाने जा रही हूँ हमारे फादर इन लॉ ने क्या लगा रखा है छोटे से बागवानी में। तो यहाँ पे इन्होंने लगाया है पालक का साग, प्यारा प्यारा सा पालक है। और अपने से जो उगाया जाता है पालक, उसकी जो सब्जी बनती है डायरेक्ट तोड़ करके, डायरेक्ट जो आप बनाओगे उसकी तो खुशी ही कुछ अलग होती है। खास करके मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। उसके बाद इन्होंने लगा रखा है प्याज, उसका तो मैं दिखा रही हूँ। ये रहा हमारा प्यारा सा धनिया। और इस धनिया को यदि आप तोड़ करके डायरेक्ट सब्जी में डालोगे और इसकी जो चटनी बनाते हो, बाय गॉड बहुत अच्छी इसकी टेस्ट आती है। क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से प्रॉपर इसमें कोई ज़्यादा खाद उद का कुछ यूज किया हुआ नहीं है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इसकी टेस्टी, इस धनिया का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। इसकी सुगंध भी माय गॉड बहुत अच्छा है। तो उसके बाद इन्होंने लगा रखा है यहाँ पे लहसुन, और इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है ये है मूली। तो कुल मिला करके थोड़ा बहुत छोटा छोटा करके सब कुछ इन्होंने लगा रखा है। और ये है हमारा, ये भी मूली है। और पीछे का आप लोग बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैं आपको ले चलती हूँ अपने खेत में। खेत में इन्होंने लगा रखा है, अभी फ़िलहाल मैं दिखाती हूँ इन्होंने किस किस चीज़ को लगा रखा। काफ़ी अच्छा है यहाँ का व्यू, मुझे तो गाँव आके बहुत मज़ा आता है। ये देखो, ये है पीछे मक्का का खेत। काफ़ी अच्छी मक्की, देख के पता चल रहा है ना आप लोग को, काफ़ी अच्छा मक्का है यहाँ पे। शायद आप लोग के भी फादर लगाते होंगे तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे ये मक्का, क्या पता हम लोग जो खाते हैं ना पॉपकॉर्न, उसी को मक्का बोलते हैं गांव में, पता है ना। पता ही होगा आप लोग को, जो भी हमारे बिहार के बाबू हैं उनको तो पता ही होगा। तो कुल मिला करके आप लोगों ने देखा, ये था हमारा छोटा सा खेत, छोटा सा बगीचा, जिसमें पापा ने प्रॉपर रूप से बहुत कुछ लगा के रखा है। और ये है एक साग, इस साग का नाम तो मुझे नहीं पता, बाकी आप लोग बताइएगा। और इस साग की जो टेस्ट आती है ना, बहुत अच्छी। मैंने भी पहली बार यहाँ पे आकर के खाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। फाइनली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने अपने बागवानी में क्या क्या लगा रखा है, मुझे बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो बाकी मैंने तो आप लोग को दिखा ही दिया अपने गाँव, इसके साथ साथ हमारे गाँव में बहुत कुछ है, मैं सारा कुछ आप सबों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।